Hello dosto, swagat hai old man Hawkeye and I for an I storyline ke episode 4 mein. To chaliye shuru karte hai episode 4. Aur ha aap log usse pehle bata du ki episode 3 mein hua tha Hawkeye nikal pada hai abhi apne doston ka jin logon ne murder kiya tha un logon se revenge lene ke liye aur wo log mainly thunderbolts ke log hai. To isliye wo apna next destination ki taraf badh chuke hai jiske कारखाने में जो कि है एक डूमबॉट फैक्ट्री क्री हेवन में ये इधर निकल चुका है और इधर आके वो उस आदमी को मारेगा और हम इधर देखते हैं कि सोमवार मंगलवार बुधवार एक एक दिन एक आदमी के बारे में दिखाया जाता है कि वो आदमी हर रोज आके उधर काम करता है एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता और वो घर पे जाता है दारू पी के सो जाता है और यही उसका ज़िंदगी है वो गुरुवार भी आता है और सुबह के सुबह 4:45 बजे उठ के वो कारखाने में आ जाता है काम करता है फिर शुक्रवार को रात को जाके फ्राइडे नाइट वो घर पर जाके फिर दारू पीता है और कुछ चिट्ठी लिखता है फिर सैटरडे आ जाता है ऐसा कर करके वो अपना तबीयत ख़राब कर देता है और उसका नाम है एब जेंकिंस और सब लोगों के बातों से पता चलता है दूसरे फैक्ट्री के जो लेबर है या फिर वर्कर है उन लोगों के बातों से पता चलता है कि एब जेंकिंस पहले तो एक विलन था जो कि बीटल्स के नाम से जाना जाता था और उसके बाद वो एक सुपर हीरो बना था मैक एक्स के नाम से और फिर उसने थंडरबोल्ट्स ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद वो फिर से मतलब एक गंदा इंसान या गंदा हीरो बन गया था हीरो नहीं विलन बन गया था इधर हम लोग देखते हैं वो रविवार संडे को भी उधर वर्क करने आता है और उधर आके उसका तबीयत एक के बाद एक एक दिन खराब होते जाता है और वो घर पे जाके मेलिसा गोल्ड नाम के किसी को एक चिट्ठी लिखता है और वो इतना चिट्ठी हर रोज़ लिखता है कि चिट्ठी जम जम के उधर ढेर बन चुका है उसके बाद वो मंडे फिर से ऑफिस जाता है मतलब वो फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए उधर फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो लोग बोल रहे हैं कि तुम हर वक्त एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो तुम्हारी वजह से सब लोग हमें गलत सोचते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि हम लोग इधर बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं तो ऐसे ही उसकी दुनिया उसकी ज़िंदगी चल रही थी जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी पता चलता है कि ये इंसान काफ़ी परेशानी में है तो इसी तरह एक मंगलवार को अचानक वो एक आवाज़ से चौंक के घूमता है और उधर हम लोग देखते हैं ओल्ड मैन हॉकआई आ चुका है मतलब क्लिंट बार्टन जो कि बुढ़ा बन गया है आप लोगों को पता ही है कैसे बना है अगर नहीं पता है तो एपिसोड 1, 2, 3 देख लीजिए आप लोगों को आइडिया हो जाएगा तो एनीवे हम लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन हॉकआई उधर आ गया है और वो बोलता है पुराना हिसाब किताब बाकी है उसे चुपता करने के लिए मैं आया हूँ और वो चेतावनी दे के बीटल को बताता है कि अभी तुम अपना सूट पहन के आ जाओ पुराना हिसाब चुकता करना है और तुमसे एक बहुत ही बड़ा फाइट होगा और वो बोलता है कि इधर से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि वेस्टलैंड में तुम मुझसे कहीं पे भी जाके भाग के छिप नहीं सकते तभी हम लोगों को पता चलता है कि क्लिंट बार्टन के ऐसे बातें कोई सुन रहा है और उसे देख भी रहा है और उसको अपने निशाने पर रख दिया है बुल्स आई ने जो कि एक लंबा स्नाइपर लेके उधर बैठा है क्लिंट बार्टन मतलब हॉकआई को मारने के लिए और तभी अचानक उसके डेटाबेस में आता है कि इम्पेंडिंग थ्रेट एक थ्रेट आ रहा है और तभी हम लोग देखते हैं उसका जो स्नाइपर गन था वो 2 टुकड़ों में बांट के गिर जाता है 2-4 हो के और तभी हम लोग देखते हैं कुछ आदमी और कुछ लड़की आई है 2 आदमी और एक लड़की आए हैं और ये आए हैं बुल्स आई को मारने के लिए क्योंकि इन बुल्स आई के ऊपर जो रेड स्कल है उसने एक बाउंटी चढ़ाया है जिसकी वजह से सब लोग बुल्साई को मारने के लिए आ रहे हैं जो भी असासिन्स है क्योंकि बुल्साई को जो भी मारेगा उसको बहुत ही बढ़िया इनाम मिलेगा तो ये लोग आए हैं क्रेविनॉक फैमिली के लोग और उन लोगों का जो खून है उन लोगों के पूरा रिलेशनशिप या उन लोगों के वंश में सब लोग ऐसे असासिन है और तभी बुल्साई बोलता है कि उसने इन लोगों ने बुल्साई का शिकार छीन लिया है शिकार के सामने आ गया है जिसकी वजह से उन लोगों को भुगतना पड़ेगा ऐसा करते बुल्साई उन लोगों की तरफ कुछ ना कुछ तो फेंकता है जिसकी वजह से उस फैमिली के एक इंसान के सर के अंदर से वो चला जाता है और वो मर जाता है उसके बाद बुल्साई दोनों लोगों पर फिर से अटैक कर देता है लेकिन जो लड़की थी वो बुल्साई को शॉट से पेट में चीर देता है बट इससे बुल्साई के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है और जब दूसरा
जो गुंडा था वो बोलसाय के ऊपर मारने आता है, तभी बोलसाय उसे डॉच कर देता है, जिसके वजह से वो आदमी अपने ही बहन के सर पे वो कुल्हाड़ी मार देता है, और वो मारने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी बोलसाय उसका हाथ काट देता है, और वो हाथ काटने के बाद वो बोलता है वो किसी भी तरह बोलसाय से इसका बदला लेगा, वो कहीं पर भी छिप नहीं पाएगा, लेकिन बोलसाय बोलता है ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये टू मच हैसल है, ऐसा बोलते हुए वो अपना शूट उस इंसान के सर पे भोंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, और तभी बोलसाय बोलता है कि क्लिंट बर्टन एक दिन के लिए बच गया, लेकिन नेक्स्ट टारगेट के लिए वो जब ही बढ़ेगा वो फिर से क्लिंट बर्टन को मारने के लिए आएगा। इधर हम लोग देखते हैं कोर्ट मेमोरियल क्री हेवन में ओल्ड मैन हॉकआई मतलब क्लिंट बर्टन उधर आके वेट कर रहा है, और तभी उसे 45 साल पुराना यादें उसकी कानों में गूंज रही है, और वो है ब्लैक विडो, उसके साथ उसी उन लोगों के क्विंस चेक में जा रही थी, जब ही उन लोगों को मतलब ब्लैक विडो को थोड़ा सा शक था कि बीटल और थंडरबोल्ट्स के सभी इंसानों पर, सभी हीरोज पे या विलन्स पे, जिन लोग इन लोगों के ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं यानी, ये सब याद आते आते ही तभी ओल्ड मैन हॉकआई देखता है उसके सामने बीटल आ चुका है, और वो साफ साफ बताता है कि कहीं ज़माना हो गया है, उसने अपना ये सूट नहीं पहना है इसलिए थोड़ा टाइटर भी लग रहा है, और तब ओल्ड मैन हॉकआई उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे सोल में वही बीटल वाला विलन ही है, नहीं तो तुम मार्क एक्स सूट भी पहन कर आ सकते थे, मार्क एक्स सूट एक हीरो का सूट था। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद बीटल के अंदर कुछ भी हड़बड़ाहट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़ा चकाचौंध है कि उसने अभी तक इस फैक्ट्री में सिर्फ काम ही करता गया और घर जाके फिर दारू पी के सो जाता था, लेकिन इधर और क्या क्या है उसने अभी भी नोटिस नहीं किया था इतने सालों में भी, और उसे जब इतना कुछ पता चल रहा है तो थोड़ा वो अमेज्ड हो चुका है, चकाचौंध रह गया है, क्योंकि वो इतना ही डिप्रेस था कि वो घर जाता था दारू पी के सो जाता था और फिर से काम पे जाता था, ऐसा 24/7 उसने काम किया है। और तब ओल्ड मैन हॉकआई फिर जब बोलता है कि मेमोरी लेन में मैं खो गया था, लेकिन अभी बीटल तुम्हारे साथ मारपीट करने का वक्त आ गया है, लेकिन तब बीटल बोलता है रुको रुको रुको, उसने अपना सूट का स्ट्रैप भी नहीं पकड़ा है या स्ट्रैप भी टाइट नहीं किया है, इसलिए वो हेल्प चाहता है, और ओल्ड मैन हॉकआई मतलब क्लिंट बार्टन उसे वो सूट स्ट्रैप करने में थोड़ा सा हेल्प करता है, और तब वो पूछता है एब जेंकिंस को मतलब बीटल को कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया था, तब जेंकिंस बताता है कि उसने अपने प्यार के लिए ऐसा किया था, और ये बोल के उसने वो अपना फ़ोटो दिखाता है क्लिंट को, और उसमें उसकी और उसके बीवी के फ़ोटो है, लेकिन तब हम लोगों को बीटल के आँखों में क्लियरली दिखता है कि हॉकआई उस फ़ोटो को ले कर फेंक देता है, और वो बोलता है कि तुमने जो किया था तुमने सबको चीर फाड़ दिया था, तब बीटल बोलता है मैं अपने प्यार को मतलब मेलिसा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तब हॉकआई बोलता है कि तुमने मेरे साथ भी जो किया मैं भी अपने प्यार को ही बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को भी मार दिया, ऐसा बोलने के बाद वो हॉकआई के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि बीटल सोच ही रहा था कि उसे खुद को शायद बचाने का ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए वो हॉकआई के ऊपर हमला करता है, पर हॉकआई उस हमले से डॉच करते हुए निकल जाता है, और उधर हम लोग देखते हैं जहाँ पे आर्केड्स मर्डर वॉल था पहले, हॉकआई जिधर गया था शुरू में, उधर ब्लाइंड फोल्डेड जो लेडी थी उधर बैठी है, और उसके सामने आ गया है वेनम और उसके साथी वाले जो वेनम थे, वेनम अभी उस गुंडे के ऊपर ही हावी है, जिस गुंडे को पहली मतलब वो पायलट को एपिसोड 1 में ही हम लोगों ने देखा था, हॉकआई ने जिस पायलट को मार गिराया था उसी में से एक पायलट के ऊपर वेनम अभी हावी है, और वेनम अभी पूछ रहा है इस ब्लाइंड फोल्डेड लेडी को कि फ्यूचर में या फिर अभी हॉकआई कहाँ है, क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड लेडी सब कुछ देख सकती है, कभी कभी फ्यूचर भी देख सकती है, तब
वो बताता है वेनम उसको डराने के बाद कि मुझे जल्दी बताओ हॉकआई किधर है, नहीं तो तुम अपना फ्यूचर ज़रूर देख सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड वो लेडी तब वेनम को बताती है कि मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, मुझे कुछ सब कुछ पता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। ऐसा बोलते हुए ही वो जो चाय पी रही थी वो बताती है कि उस चाय में उसने जहर मिला दिया है और वही जहर वो खुद ही पी रही है वो मरने के लिए। लेकिन तब वेनम थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो उस पायलट के शरीर को छोड़ के इस औरत के शरीर में आके घुसती है और उसे इससे पता चल जाता है कि हॉकआई किधर है। इधर हम लोग देखते हैं हॉकआई और बीटल के बीच में जो मारपीट चल रहा था। बीटल को एक बार मारने के लिए हॉकआई ने जो एरो छोड़ा लेकिन उसकी दृष्टि शक्ति थोड़ा कम हो गई है जिसके वजह से वो एक के बाद एक एरो मिस कर रहा था। और तब बीटल थोड़ा चौंक गया था कि क्यों हॉकआई ऐसा मिस कर रहा है और वो पूछ रहा था कि हॉकआई तुम किधर निशाना कर रहे हो। उसके बाद हॉकआई को पता चल गया था कि बीटल को कैसे हराना है। बीटल एक के बाद एक हमला करते गया, हॉकआई एक के बाद एक हमले से बचता गया और तब उसका तीर जाके बीटल के फेस पे मास्क पे लगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो तीर टूट गया। पर बीटल एक के बाद एक जो हमला करता गया उसको डॉच करते हुए हॉकआई ने अपना वेब एरो छोड़ा जिसकी वजह से बीटल के विंग्स तभी रुक गए थे और बीटल उस ब्लास्टेड विंग्स को लेके नीचे गिरते गिरते आके नीचे गिरा। और तभी हॉकआई जंप करते हुए बीटल्स को पकड़ा और उसके अंदर एक एक्सप्लोसिव एरो डाल दिया जिसकी वजह से एक एक्सप्लोशन हुआ और बीटल टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। उसका हाथ टूट गया, उसका पैर सर सब कुछ टूट गया और वो गिरते हुए ज़मीन पे आके गिरा था। और उसके सीने से तब चेस्ट पॉकेट से एक चिट्ठी निकल के आया था जिसमें जिसको हॉकआई अपने हाथ में लेता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, डियरेस्ट मेलिसा, इफ यू आर रीडिंग दिस इट मींस आई एम डेड, आई वांट यू टू नो आई कैरीड यू इन माय हार्ट अंटिल द एंड। मतलब डियर मेलिसा, अगर तुम ये पढ़ रही हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और तुम्हें ये मुझे बताना की कोशिश किया मैंने बार बार कि मैं मरते दम तक तुम मेरे दिल में ही थी। और ये देखने के बाद हॉकआई रियली टूट पड़ता है क्योंकि उसने जो अभी किया है वो अपने अंगार से, मतलब वो बदले की आग से किया है, पर उसे पता नहीं था कि बीटल के अंदर ऐसा हार्ट है और वो अपने प्यार को बचाने के लिए जो भी कुछ भी किया है वो उतना भी संगीन जुर्म नहीं है। इसीलिए वो एक पब में आ जाता है, पब नहीं है एक्चुअली बार है, उधर आ जाता है और उधर आके दारू पीने लगता है। और तभी वो देखता है बियर की बोतल में कई चीटियाँ गूंज रही है, चीटियाँ मतलब उन लोगों की आवाज़ गूंज रही है और चीटियाँ उधर जमा हो गई है। और ये पूछने के बाद तभी हम लोग देखते हैं उधर वो बारटेंडर के बहन की एक बेटी उधर बैठी है, मुझे बेटी या बेटा पता नहीं है क्योंकि उसने एंटमैन का मास्क पहन लिया। अभी तो पता चल गया है कि नेक्स्ट एपिसोड में एंटमैन जैसा कुछ ना कुछ तो आने वाला है। और तभी वो जब बताता है कि इस बच्चे को तो अभी स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन वो बारटेंडर बताता है मतलब जोसीस के बार में कि अभी इस वेस्टलैंड में स्कूल कहाँ है, ये वेस्टलैंड में अगर कुछ सेफेस्ट जगह है तो है ये बार। ये बोलने के बाद ही हम लोग देखते हैं उस बार के पहाड़ी आ गया है वेनम और उसके वेनम साथी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वेनम्स अटैक, वेनम्स उस हॉकआई के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों को ये शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा सही टाइम पे नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट।